सक्सेसफुली मेरा जॉब डन हो गया है। इनके लिए भाई क्लैप्स हो जाए भाई। मुझे ये बताइए, इससे पहले कभी भी आप एमएमसी चेंज किए? नहीं सर, इससे पहले किया नहीं था, बट और मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता था कि ये हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे पूरी प्रोसेस करने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। विद फ्लैशिंग, आईसी को निकालना, रिवॉल्व करना, लगाना, पूरा कंप्लीट मेरा 15 मिनट में एक सेट डन हो गया है। अच्छा मुझे बताइए कि एक हैंडसेट में क्या एमएमसी चेंज करने के लिए हमेशा डम फाइल की जरूरत है? सीपीयू में एमएमसी चेंज करना। तो अब आप क्या करके दिखाएंगे मुझे? ये मेरा एक साइट है, इसमें ईएमसी खराब है, तो मैं इसमें ईएमसी चेंज कर रहा हूँ। और ये मैं इसमें दूसरी ईएमसी लगा रहा हूँ सीपीयू वाइज, इसको आइडेंटिफाई करके। और इसको इसमें कितने जीबी की आईसी था? इसमें हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन। आप देख रहे हैं एसए टेलीकॉम फेसबुक पे लाइव, या तो फिर देख सकते हैं यूट्यूब में हमें। हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अनुज उत्तर प्रदेश से, कितने दिन से इस लाइन में है आप? लाइन में 3-4 साल से हूँ, बट मैं अभी छोटा मोटा काम करता था, जैसे सीसी चेंज करना, माइक लगाना या फोल्डर वगैरह चेंज करना, आईसी लेवल का कोई काम नहीं करता था। आज आपकी कौन सी दिन की क्लास है? आज मेरी 5 एमएमसी की 5 दिन की क्लास है। अच्छा, आज आप क्या करके दिखाएंगे और आज किस चीज़ की क्लास था? आज मेरा कॉलकम में आईसी लगाना है, कॉलकम सीपीयू में। कॉलकम सीपीयू में एमएमसी चेंज करना। तो अब आप क्या करके दिखाएंगे मुझे? ये मेरा एक साइट है, इसमें ईएमसी खराब है, तो मैं इसमें ईएमसी चेंज कर रहा हूँ। और ये मैं इसमें दूसरी ईएमसी लगा रहा हूँ सीपीयू वाइज, इसको आइडेंटिफाई करके। और इसको इसमें कितने जीबी की आईसी था? इसमें 4/64 लगा हुआ था, मैं 6/128 लगा रहा हूँ। अपग्रेड कर दोगे? यस सर, है ना। चले तो शुरू करिए, आप कैसे करना है आप देख करिए। तो सबसे पहले तो आप वही पुराना आईसी कनेक्ट कर लीजिए, पुराना आईसी तो ख़राब है, जो अभी के फ़ोन है, अभी का आईसी है उसको कनेक्ट करिए। बोल दीजिए
दीपक और मैं इसको 128 भी हुआ है कि नहीं हुआ दिखा दीजिए एक बार सेटिंग में जाके अनिल जूम करके लेना यस सर सेटिंग अबाउट में जाइए ऊपर अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे ऑल स्पेस में आने के बाद 6 GB ये रैम हो चुका है और यहाँ पे
128 GB स्टोरेज। देखिए मैंने इसको सेट को अपग्रेड किया है और इसकी EMC जो थी मेरी ख़राब थी, मैंने इसको नई EMC लगाया है और इसको मैंने 6/128 में कन्वर्ट किया है और ये सक्सेसफुली मेरा जॉब डन हो गया है। इनके लिए भाई क्लैप्स हो जाए। मुझे ये बताइए, इससे पहले कभी भी आप EMC चेंज किए? नहीं सर, इससे पहले किया नहीं था बट, और मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता था कि ये हो जाएगा बट, यहाँ पे मुझे पूरी प्रोसेस करने में 10 से 15 मिनट लगे हैं, विद फ्लैशिंग, IC को निकालना, रिवॉल्व करना, लगाना, पूरा कंप्लीट मेरा 15 मिनट में एक सेट डन हो गया है। अच्छा मुझे बताइए कि एक हैंडसेट में क्या EMC चेंज करने के लिए हमेशा डम फाइल की जरूरत? नहीं नहीं, कुछ भी ना मिले, ना कस्टमर का बैकअप मिले मुझे, उसका EMC पूरी डैमेज है, तो IMEI नंबर नहीं है, IMEI नंबर रिपेयर करना हम सीखेंगे। यस सर, यस सर, है ना, पहले फोन चालू जब तक नहीं होगा तब तक हम IMEI नंबर लेके, कोई दुकानदार इसकी IC भी निकाल लेता है, ओनली ऐसा मुझे मदरबोर्ड देता है जिसमें CPU लगाया था, मैं उसमें नई IC बिल्कुल फिक्स करके उसको दे सकता हूँ। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम? एशिया टेलीकॉम के लिए थैंक यू, और अगर जो कोई भी यहाँ पे आना चाहता है वो आ सकता है, अगर उसको काम सीखने की थोड़ी सी भी इच्छा है 1% भी, तो यहाँ से हमारी जो एशिया टेलीकॉम टीम है वो आपको 100% डन करके दे देगा। थैंक यू वेरी मच। अब जो मतलब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC है, हार्डवेयर हम लोगों को सर देव सर ने सिखाया है सर। okay. उन्होंने जीरो से लेकर मतलब पूरा का पूरा जो मोबाइल होता है, मतलब वहाँ कौन सी लाइन कहाँ जाती है ये वो सब मतलब बहुत क्लियरली समझाया है सर देव सर ने। okay. जो हमको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मतलब हार्डवेयर रिलेटेड। okay, okay. और 100 से ऊपर मिल रहा है सर। तो देव सर के साथ कैसी क्लास रही आप? सर बहुत मज़ा आया सर, उन्होंने हार्डवेयर का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कराया है। Okay. और जो आजकल मार्केट में जो प्रॉब्लम आर्किटेक्चर चली रही हैं, क्रिएट हैं, जैसे कि कुछ भी हो, नेटवर्क सेक्शन हो, डेड हो, हाँ जी बिल्कुल सर। Get set, go! Yes, sir! एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। एक साथ कहेंगे, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?